Welcome to all sports lover throughout the world on my YouTube channel. FIH Pro League का एक महत्वपूर्ण फेज इंडिया के कलिंगा स्टेडियम के अंदर 3 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है, जिसके अंदर इंडिया की मेन टीम और विमेन टीमें दोनों ही खेलने जा रही हैं। आज 3 फरवरी 2024 को इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ होगा। आपको जानकर के बड़ी ही खुशी होगी कि पिछले ओलंपिक्स के अंदर भारत की टीम ने 42 वर्ष के बाद ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और विमेन टीम है वो फोर्थ नंबर के ऊपर रही थी। हालांकि भारत की विमेन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक के अंदर क्वालिफाइंग नहीं कर पाई है, लेकिन उनको FIH प्रो लीग के अंदर बेहतरीन टीमों के साथ खेलने का अनुभव प्राप्त होगा। ये टूर्नामेंट 3 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 के अंदर सेकेंड फेज के अंदर खेला जाएगा, जो कि सारे मैच कलिंगा स्टेडियम के अंदर होंगे। विमेन के अंदर भारत की टीम चाइना नीदरलैंड उसके बाद US और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, और इसी प्रकार से जो मेल टीम है भारत की मेन टीम है वो स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ खेलेगी। भारत की टीम चाइना, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और USA के साथ दो दो बार खेलेगी। भारत के मैच 3 फरवरी को चाइना के साथ, 4 फरवरी को नीदरलैंड के साथ, 7 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ और 9 फरवरी को US के साथ होगा। और फिर दोबारा से भारत की विमेन टीम 12 फरवरी को चाइना के साथ, 14 फरवरी को नीदरलैंड के साथ, 17 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ और 18 फरवरी को US के साथ खेलेगी। आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि ओलंपिक्स हैं वो केवल 7 मंथ की दूरी पर हैं, दे आर वेरी नियर। FIH टूर्नामेंट बहुत ओलंपिक की तैयारी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और सभी टीमें अपना पूरा जोर लगाएंगी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। इसका फर्स्ट फेज है वो शुरू हो चुका है। इसकी जो टेबल है, पॉइंट टेबल है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ऑल हॉकी लवर्स विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट इंडियन मिडफील्डर नवजोत कौर इज मैरिड टू कैनेडियन गैरी नागपाल। गैरी नागपाल इज फेमस हॉकी प्लेयर, सन ऑफ भूपिंदर कौर एंड रणवीर सिंह। भूपिंदर सिंह हरसेल्फ वॉज भीम अवार्डी प्लेयर ऑफ हरियाणा, और नवजोत कौर हैं वो बलदेव सिंह की बहुत ही बेहतरीन तराशे गए खिलाड़ियों में से एक थी, और उन्होंने 2016 से 2021 तक भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया। शी पार्टिसिपेटेड 2 टाइम इन एशियन गेम्स एंड वी ऑल प्रे फॉर हर वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मे गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम थ्रू आउट देयर लाइफ। तो नवजोत कौर और गैरी नागपाल को बहुत बहुत बधाई FIH प्रो हॉकी लीग के ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में आज भारत और चाइना का बड़ा ही रोमांचकारी मैच हुआ। इस मैच में भारत ने अपनी 2 खिलाड़ी गुरजीत कौर और वंदना कटारिया को मौका दिया। ये दोनों ही खिलाड़ी भारत के ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई थी। भारत की कप्तान गोलकीपर सविता पुनिया भारत की टीम को लीड कर रही थी। पहले हाफ में भारत ने पहला हमला किया और ज़्यादातर गेंद चाइना के हाफ में रही। चौथे मिनट में चाइना ने भी हमला किया और सुलेमा टेटे ने अच्छा एंटिसिपेट करते हुए चाइना के इस हमले को बेकार किया, और चाइना और भारत ने दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खेल को भांपने की कोशिश की। पहले क्वार्टर के आधे समय तक दोनों ही टीमों ने गोल करने के कुछ बेहतरीन मौके तो बनाए, लेकिन गोल करने वाला मौका कोई भी टीम नहीं बना पाई। पहले हाफ के आधे समय तक दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर थी। फर्स्ट क्वार्टर के 11वें मिनट में चाइना को एक बेहतरीन लॉन्ग कॉर्नर मिला, लेकिन चाइना को इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
फर्स्ट क्वार्टर के 13वें मिनट में इंडिया को एक बेहतरीन काउंटर अटैक का भी मौका मिला, लेकिन भारत की टीम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाई क्योंकि चाइना की डिफेंस मजबूत रही और भारत को गोल करने का कोई मौका नहीं मिला। इसी बीच खेल के आखिरी मिनट में भारत की वंदना कटारिया, जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट मिस किया था, उन्हें दूर से मिला एक अच्छा बेहतरीन पास मिला और उन्होंने गिरते हुए गेंद को डायरेक्शन दी और गेंद सीधे गोल लाइन को क्रॉस कर गई। चाइना की गोलकीपर इस गोल को रोकने में नाकाम रही और भारत चाइना से एक गोल से आगे हो गया और यही स्कोर इस पहले क्वार्टर की समाप्ति तक रहा, चाइना 0 भारत 1 गोल से आगे। दूसरे क्वार्टर के अंदर चाइना को पहले हाफ में एक प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन चाइना का शॉट गोल से थोड़ा वाइड था और भारत अभी भी 1 गोल से आगे था। फर्स्ट क्वार्टर के समाप्ति के बाद दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में चाइना ने एक रेफरल लिया। चाइना का रेफरल सक्सेसफुल रहा और भारत ने एक प्लेंटी कॉर्नर भारत को प्लेंटी कॉर्नर पर बचाव करना पड़ा। चाइना को प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत चाइना के इस प्लेंटी कॉर्नर को रोकने के अंदर कामयाब हुआ। चौथे मिनट के अंदर भारत की खिलाड़ी लालम शामी ने सलेमा टेटी के लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका बनाया, लेकिन चाइनी गोलकीपर होशियार थी, उन्होंने अच्छा बचाव किया और भारत की बढ़त को दुगना करने के अंदर भारत नाकामयाब रहा। दूसरे क्वार्टर के चौथे से छठे मिनट तक भारत की मिडफील्डर खिलाड़ियों ने बड़ा ही अच्छा तालमेल दिखाया और ज़्यादातर गेंद चाइना के हाफ में रही और चाइना को दबाव में रखा, लेकिन भारत कोई अच्छा मूव बनाने के अंदर कामयाब नहीं हुआ। स्कोर अभी भी भारत 1 गोल, चाइना 0, भारत 1 गोल से आगे था। इसी बीच FIH प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में आज नीदरलैंड ने USA को 2 के मुकाबले 0 गोल से हरा करके पूरे अंक अर्जित किए। आपको याद दिला दें कि चाइना 2023 एशियन गेम की गोल्ड मेडलिस्ट टीम है और उन्होंने जापान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। भारत की टीम इस एशियन गेम के अंदर तीसरे स्थान पर रही थी। भारत ने जापान को 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन भारत की टीम ओलंपिक को क्वालिफाई करने में नाकामयाब रही। दूसरे क्वार्टर के 10वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त को डबल करने का प्रयास किया, लेकिन इंडिया इस मौके को बना नहीं पाया। इसी तरह से भारत की दीपिका और सोनिका ने दूसरे हाफ के 13वें मिनट में भी भारत के लिए एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन चाइना की गोलकीपर मुस्तैद थी और वो चाइना की गोलकीपर को चकमा नहीं दे पाई। स्कोर अभी भी भारत 1 गोल से चाइना पर लीड कर रहा था। दूसरे क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत को एक बड़ा ही अच्छा मौका मिला, लेकिन भारत इस मौके को भुना नहीं पाया। फर्स्ट हाफ की समाप्ति तक चाइना को 2 प्लेंटी कॉर्नर मिले, लेकिन उन्होंने कोई भी गोल नहीं किया। भारत को 1 भी प्लेंटी कॉर्नर नहीं मिला, लेकिन भारत की वंदना कटारिया ने फील्ड गोल करके भारत को 1-0 की चाइना पर बढ़त दिला दी थी। हाफ टाइम की समाप्ति के बाद तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू हुआ। थर्ड क्वार्टर के तीसरे मिनट में भारत ने एक अच्छा मूव बनाया, लेकिन गोल करने के अंदर भारत की प्लेयर नाकामयाब रहे। छठे मिनट में भारत की लालम शामी ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में वो भी विफल रही। आठवें मिनट में भारत ने एक बेहतरीन मूव बनाया, लेकिन चाइना की डिफेंस ने इस मूव को सफल होने नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर के 10वें मिनट में चाइना की वैन डैन ने गोल करके चाइना को बराबरी पर ला दिया। भारत की गोलकीपर चकमा खा गई और भारत
और चाइना बराबरी पर आ गए, भारत 1 चाइना 1। ग्यारहवें मिनट में भारत ने अच्छा मूव बनाया, लेकिन भारत को इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच नवनीत ने एक अच्छी डी के अंदर एंट्री की, लेकिन गोलकीपर ने गोल को डिफ्लेक्ट किया और चाइना की गोल की रक्षा की और भारत का ये प्रयास विफल जाता रहा। स्कोर अभी भी चाइना 1 भारत 1। थर्ड क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन बॉल रेस थी और उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये चाइना के लिए बहुत ही लकी रहा। थर्ड क्वार्टर के आखिरी क्षणों में चाइना को एक अच्छा मौका मिला और चाइना की प्लेयर विन जिन बॉल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। थर्ड क्वार्टर के एंड तक स्कोर चाइना 1 इंडिया 1। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में चाइना ने बड़े ही लंबे स्कूप देकर के चौथे क्वार्टर की शुरुआत की। दूसरे मिनट में चाइना ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन चाइना की अटैकर्स का निशाना सही नहीं था। तीसरे मिनट में इंडियन गोलकीपर स्विता पुनिया ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया। चौथे क्वार्टर को शुरू में चाइना ने भारत को दबाव में रखा और ज़्यादातर गेंद भारत के ही हाफ में रही। इसी बीच 6 मिनट में चाइना की 17 नंबर प्लेयर डैन वेन को प्लेंटी कॉर्नर मिला। स्विता ने अच्छा बचाव किया। उसके बाद फिर दोबारा से अगला प्लेंटी कॉर्नर मिला। थर्ड प्लेंटी कॉर्नर के बाद फिर फोर्थ प्लेंटी कॉर्नर मिला। रो के अंदर उनको 5 प्लेंटी कॉर्नर मिले और फिफ्थ प्लेंटी कॉर्नर को भारत रोक नहीं पाया और चाइना ने स्कोर करके 2-1 की लीड ले ली। ये गोल चाइना की नंबर 2 प्लेयर गुनबिन फग ने किया। भारत के पास चौथे क्वार्टर के बचे हुए 8 मिनट में गोल को बराबर करने का दबाव था। अगले क्षणों के अंदर भारत ने फुट इनसाइड का रेफरल लिया, लेकिन भारत का रेफरल बेकार चला गया। चौथे क्वार्टर में गेंद लगातार भारत के ही हाफ में रही। 11वें मिनट में सलेमा टेटे का एक बड़ा ही अच्छा पास था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। 13वें मिनट में चाइना को प्लेंटी कॉर्नर मिला। चाइना का ये प्लेंटी कॉर्नर को वो गोल में बदलने में विफल रहे। चाइना अभी भी 2 के मुकाबले 1 गोल से आगे था। फर्स्ट क्वार्टर के आखिरी मिनटों में उदिता के फुट पर बॉल टच हुई और फिर चाइना को एक प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत की स्विता पुनिया ने 2 बार भारत के गोल का बड़ा ही अच्छा बचाव किया। इसके बाद फिर चाइना को एक प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन स्विता ने बॉल को पोल के ऊपर से निकाल करके भारत की गोल की रक्षा की। इसके साथ ही चौथे क्वार्टर की भी समाप्ति हुई और चाइना ने भारत को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा करके इस मैच को जीत लिया। ये चाइना की भारत के FIH प्रो लीग के अंदर भारत के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। इस मैच के अंदर चाइना को टोटल 11 प्लेंटी कॉर्नर मिले, लेकिन भारत को केवल 1 ही प्लेंटी कॉर्नर मिला। चाइना ने भारत को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा करके इस मैच को जीत लिया और पूरे अंक अर्जित किए। इस मैच के अंदर चाइना की गोल स्कोरर डैन वेंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आज के मैच में बस इतना ही। कल भारत का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से 7:30 के ऊपर आपके लिए फिर हाइलाइट्स लेकर के आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार।